इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेसिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो एक ही सर्किट में सीरीज और पैरेलल दोनों तरह से रेसिस्टर कनेक्ट है, तो उसको कैसे सोल्व करना है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो सेपरेट थे, सीरीज वाले सर्किट थे और पैरेलल वाले सर्किट थे, उनको अलग अलग हमने डिस्कस किया। अब ऐसा भी हो सकता है कि कॉमन आ जाए, तो इस तरह एक मैं एक सर्किट बना देता हूँ। ये हमारा एक R1 और यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा हुआ है, एक रेसिस्टर इधर लगा हुआ है, ये दोनों पैरेलल लगे हुए हैं। ठीक, R1 इसका नाम दे दिया, R2 इसका नाम दे दिया, R3। अब आपको जो टर्मिनल है ए और बी, ठीक, इस टर्मिनल का नाम दे दिया ए, इस टर्मिनल का नाम दे दिया बी। अब ए बी के थ्रू जो भी रेसिस्टर रेसिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है, वो आपको निकालनी है। तो आर, टोटल आर निकालना है कितना है इस सर्किट का। तो इसको कैसे निकाल लेंगे, तो सबसे पहले जो पैरेलल में लगे सर्किट है उसको सोल्व करो, ठीक है। तो R2 और R3 को सोल्व करो, तो जो भी आएगा वो R1 के सीरीज में होगा। तो R1 के सीरीज में R2 और R3 दोनों हैं, पर ये पैरेलल में है, तो पहले पैरेलल वाले को सोल्व करना है। सही, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका नाम दे दो। सही है, तो यहाँ पर देखो लिख दो R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो इसको निकाल लो, तो इसका नाम दे दो RP जो नया बन गया है। तो R2 मल्टीप्लाई बाई R3 जो हमने निकाला वहाँ से, डिवाइड बाई R2 प्लस R3, सपोज करो RP आया उसकी वैल्यू, ठीक है। न्यूमेरिकल थोड़ी देर बाद कर लेंगे, पहले इसका एल्जेब्रिकली देख लेते हैं। तो अब इसका जो सर्किट बना वो कुछ इस तरह का बना, ठीक है। तो R1 और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है RP, वो सीरीज में लग गया। ये ए, ये टर्मिनल बी, तो ये क्या है RP। तो अब जो R की वैल्यू कितनी आई, तो R इक्वल्स टू, अब ये सीरीज में है इसको सीधा कनेक्ट कर दो बस, R1 प्लस RP, ये वैल्यू निकल के आएगी। तो सपोज करो न्यूमेरिकल के लिए ले लेते हैं, ये 1 ओम है, सही है, यहाँ पर ये 2 ओम है और ये 4 ओम है। अब वैल्यू, तो RP की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 4, तो 8 डिवाइड बाई 6, ठीक है, तो 4/3, तो कितना हुआ 1.333 ओम, ठीक है, ओम यही रहेगी। R1 की वैल्यू 1 ओम है, तो यहाँ पर 1 ओम, सॉरी ये 1 ओम, और RP की वैल्यू आई हमारी 1.333 ओम। अब इसका सम जो आया R इक्वल्स टू 1 प्लस 1.33, अब कितने लिख दो, ठीक है, डेसिमल के 2 पॉइंट तक रहने देते हैं, मैंने 3 तक लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं, और इक्वल्स टू 2.333 ओम, ये इसकी वैल्यू आई। अब इससे रिलेटेड कोई और न्यूमेरिकल आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये कनेक्ट किया हुआ है, अब इसको और एक सिंपल सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, इसकी वैल्यू 8 ओम ले लेता हूँ। और यहाँ पैरेलल में हमने दो रेसिस्टर हैं हमारे पास, ठीक है जी, तो इस रेसिस्टेंस की वैल्यू मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 2, पहले भी 2 ओम और 4 ओम लिया है ना, तो इसकी मान लेते हैं, चलो ये 3 ओम है और इसकी मान लेते हैं ये 4 ओम है, ठीक। अब यहाँ पर मैंने कोई वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है इस तरह का, तो मुझे I निकाल, सॉरी ये करंट फ्लो होगा इस तरह, ठीक है, तो I निकालना है क्योंकि प्लस है बैटरी का इस तरह। तो सपोज करो ये है 4 वोल्ट, I की वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक, फिर I की वैल्यू निकालनी है, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है और फिर इनके अक्रॉस भी वोल्टेज निकालनी है। तो इसका नाम दे दिया R1, इसका नाम दे दिया R2, इसका नाम दे दिया R3, ठीक। तो वोल्टेज अक्रॉस R1 VR1, वोल्टेज अक्रॉस R2 VR2, वोल्टेज अक्रॉस R3 VR3, तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, अब इसमें देखो पैरेलल में, ये पैरेलल में दोनों, तो वोल्टेज अक्रॉस VR2 इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस R3, तो कहने का मतलब है VR2 इक्वल्स टू VR3, तो एक की निकालनी पड़ेगी बस आपको,
ठीक। अब जो ये आएगा ये हमारा है पैरेलल में, तो पैरेलल को जब इसको सोल्व करोगे तो ये सीरीज में बन जाएगा। ठीक, तो अब सर्किट का मॉडिफिकेशन आना चाहिए, किस तरह इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी निकाल लोगे तो सर्किट का मॉडिफाई करके आएगा ये 8 ओम, और इनका कुछ भी पैरेलल में आएगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे, और वो कनेक्ट है हमारे पास साथ 4 वोल्ट की बैटरी से, या 4 वोल्ट। तो जब आप करंट निकाल लोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आई इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई आर, आर है इस पूरे सर्किट का, यानी ए और बी अगर टर्मिनल नाम दे दें, या ए है ये बी है, तो इसके अक्रॉस जो रेसिस्टर है वो हमारा जैसे हमने पहले निकाला वो ऐसे निकाल लेंगे, तो वी डिवाइड बाई आर निकल जाएगा, वो निकल जाएगा तो करंट निकल जाएगी, करंट निकल जाएगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी, और ऐसे ही फिर आर पी जो भी यहाँ रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, आई वन और आई टू भी निकाल सकते हैं, यहाँ तो आई है, ये आई वन और इसको आई टू, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, चलो आई वन भी निकालनी है और आई टू भी निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले तो आर पी पैरल में रेजिस्टेंस कितना है, आर पी की वैल्यू निकालनी है, तो आर पी इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 4, तो कितना बना 12 डिवाइड बाई 7। अब ये कितना आया, तो 1.7 के अराउंड आएगा। ठीक है, 1.7 ओम, इसको इतना ही रहने देते हैं, या 4 वोल्ट ये। अब करंट निकालनी है तो आर कितना हुआ पूरे सर्किट का, तो आर की वैल्यू आई हमारी 8 ओम, ये रेजिस्टेंस प्लस आर पी, आर पी की वैल्यू है 1.7 ओम, तो ये हुआ हमारा 9.7 ओम, तो वी है हमारा 4 डिवाइड बाई 9.7 ओम। ठीक है, इसको निकाल लेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी, तो 4 डिवाइड बाई 9.7। अब इसके लिए मुझे चाहिए कैलकुलेटर। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं, इसको निकाल लो, ये एम्पियर में आई, फिर इसकी मल्टीप्लाई करो यहाँ से 8 से। ठीक, तो मतलब वोल्टेज अक्रॉस आर वन, तो वी आर वन की वैल्यू क्या आएगी भाई, आई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई 8 ओम, वी जो आर वन की वैल्यू है, तो ये कितना हुआ 4 डिवाइड बाई 9.7 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 32 डिवाइड बाई 9.7, तो ये वोल्ट बनेगा, ये आ जाएगी यहाँ की वैल्यू। अब इसके अक्रॉस कितनी है, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, तो वो भी आपकी निकल जाएगी। क्या करना है, 4 में से उस वोल्टेज को माइनस कर देना है, केवीएल है, तो 4 माइनस वी आर वन, सही है, माइनस वी आर टू और वी आर थ्री सेम है, तो इस इन दोनों टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो है हमारी जो इन दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज आएगी। ठीक, तो वी आर वन माइनस वी आर टू, सॉरी हाँ, ये वी आर वन हो गया, और ये वी पी कर देता हूँ पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है, इक्वल्स टू 0, इससे आपको वी पी निकल जाएगा, आपका वी आर वन आ गया, ये पता है, इसमें से इसको माइनस करना है, वी पी की वैल्यू आ जाएगी, वो निकल गया वी पी की वैल्यू। अब वी पी की वैल्यू से आप क्या करोगे, इसके अक्रॉस कितनी करंट फ्लो हो रही है और इसके अक्रॉस कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो क्या करना है आपको, निकालना है आई वन, तो वी पी डिवाइड बाई जो पैरेलल में जो है रेजिस्टर, वी पी डिवाइड बाई आर वन, तो 3 ओम, आर वन नहीं आर टू, सॉरी ये आर टू, तो 3 ओम, तो आई वन यहाँ पर आई वन निकल गया, और आई टू की वैल्यू क्या हुई, वी पी डिवाइड बाई 4 ओम, बस 4 ओम है यहाँ पर आर थ्री की वैल्यू, इसको सोल्व कर लो, ये सब की वैल्यू निकल गई, सिंपल है। तो इसको यहीं रोकते हैं।